हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरा इंडिया से कनाडा आने के लिए जो कोविड-19 एक्सपीरियंस था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने कौन सा कोविड-19 टेस्ट करवाया, कहां से मैंने कोविड-19 टेस्ट करवाया, फ्लाइट से कितनी देर पहले करवाया एंड क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड थी। क्योंकि सभी जो कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं वो कनाडा की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि कोविड-19 टेस्ट हुआ कैसे था। तो मैंने कोविड-19 टेस्ट अपना करवाया था चंडीगढ़ से एंड वो था अंडर तुल्य हेल्थ केयर जो क्लिनिक्स है वहाँ से। तो दिखाता हूँ मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस। ये है अतुल्य का हेल्थ केयर कोविड-19 के टेस्ट के लिए। तो हमने यहाँ से RT-PCR का टेस्ट जो है वो बुक करा लिया है। इनका बड़ा सही है सिस्टम, ओपन में बड़ा है सब कुछ हमें चंडीगढ़ के अंदर। और ये है सैंपल कलेक्शन है यहाँ पे होगी। हाँ जी सर, करानी है? नहीं ब्रो, सारा चल तुम है। मेरी वीडियो बना, मैं तो पॉजिटिव आ जाना। चल तो जी ये था मेरा कोविड-19 का एक्सपीरियंस। बहुत ही अजीब था क्योंकि पार्किंग लॉट थी और पार्किंग लॉट के अंदर ही सब कुछ उन्होंने टेस्टिंग सेंटर वगैरह खड़ा करके रखा हुआ था, जो कि इज़ अ गुड थिंग। और जल्दी आ गया था, एक ही दिन के अंदर विदिन 12 आवर्स में मुझे मेरी रिपोर्ट मिल गई थी। तो इसकी जो कॉस्ट थी 800 to 900 rupees। एंड मैंने ये इसलिए करवाया था क्योंकि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिकली मांगती है एक मॉलिक्यूलर टेस्ट जो कि होता है RT-PCR टेस्ट। तो उसको डिटेल में बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर ताकि मैं सब कुछ आपको क्वांटिफाई कर सकूँ। तो चलो चले। तो जी वेलकम टू माय कंप्यूटर एंड मैं हूँ एज यूजुअल canada.ca के ऊपर, जो कि है कनाडा की खुद की गवर्नमेंट वेबसाइट जिसके अंदर उन्होंने सारी डिटेल्स आउटलाइन करके रखी हुई है। एंड यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख जाएगी जो कि है कि प्रूफ ऑफ नेगेटिव कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट चाहिए उनको। मॉलिक्यूलर टेस्ट इज़ अ की, क्योंकि सभी टाइप ऑफ जो टेस्ट होते हैं वो अप्रूव्ड नहीं होते हैं। आई थिंक देर आर अराउंड 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट। एक होता है मॉलिक्यूलर टेस्ट जिसको हम RT-PCR टेस्ट भी बोलते हैं, एक होता है एंटीजन टेस्ट और एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। तो स्पेसिफिकली इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों पे देखो ये लिखा भी हुआ है कि एंटीजन टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होना चाहिए, हमको करवाना है RT-PCR टेस्ट। एंड वो RT-PCR टेस्ट होना चाहिए है 72 आवर्स बिफोर द स्केड्यूल टाइम ऑफ योर फ्लाइट। तो अगर आपकी फ्लाइट है लेट से सैटरडे को 3:30 AM, एयर इंडिया की 3:30 AM पे होती है यूजुअली, तो अगर आपकी फ्लाइट है सैटरडे को 3:30 AM तो आपको 3 डेज पहले या 72 आवर्स पहले, जो कि बनता है थर्सडे को 3:30 AM के बाद ही आपको अपना टेस्ट करवाना है। एंड आप करवा सकते हो लाइक 2 दिन पहले भी, क्योंकि जो रिजल्ट्स आते हैं आजकल 1 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। जो मेरा खुद का पर्सनल रिजल्ट आया था वो था 12 घंटे के अंदर। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 72 आवर्स बिफोर फ्लाइट करवाना है। अगर आप पहले करवा लेते हो, लेट से अगर आप 90 आवर्स पहले करवाते हो, तो वो जब आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे होगे तो आपका कोविड-19 टेस्ट एक्सपायर माना जाएगा एंड आपको बोर्डिंग भी नहीं करने दी जाएगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे सामने काफ़ी लोगों को उन्होंने रोका था, तो भाई ध्यान से आना, 1 या 2 दिन पहले अपना टेस्ट करवा लेना, आपको रिजल्ट आ जाएगा। और जो रिजल्ट होना चाहिए उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए कि वो RT-PCR टेस्ट है। मैं आपको अपने जो टेस्ट है उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, वो है ये। उसके अलावा बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जैसे कि कोविड-19 का क्वारंटीन प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला, कहाँ पे आप रहोगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। अब बताते हैं जो प्री एंट्री रिक्वायरमेंट्स है स्पेसिफिकली जो कोविड-19 टेस्ट के लिए है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 72 आवर्स का होना चाहिए एंड टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेड मॉलिक्यूलर टेस्ट है ये। तो
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो RT-PCR है, इंडिया के अंदर मोस्टली RT-PCR टेस्ट मिल जाते हैं, बट एंटीजन टेस्ट भी होते हैं, तो मेक श्योर कि आप RT-PCR या PCR टेस्ट ही करवाएं और RNA टेस्ट। तो ये लिस्ट जो है वो आप देख सकते हो, इसके अंदर से जो कौन सा भी आप टेस्ट करवाओगे वो अप्रूव्ड होगा। अब आपको लेके चलते हैं कि कहाँ से आप ढूंढ सकते हो ICMR अप्रूव्ड, क्योंकि सभी जो COVID-19 टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं वो कनाडा की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आपको स्पेसिफिकली ICMR अप्रूव्ड जो टेस्टिंग लैब्स होती है इंडिया की, वहीं से टेस्ट करवाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड उसके लिए ये है एक PDF जिसके अंदर कोविड की टेस्टिंग लैब्स के सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है ICMR के थ्रू। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्टिंग लैब्स है। अगर आप फॉर एग्जांपल टेस्ट करते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर कौन सी लैब्स है, तो चंडीगढ़ के अंदर 7 गवर्नमेंट लैब्स है एंड एक प्राइवेट लैब है। एंड उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी टेस्टिंग कैटेगरी है, राइट। एंड मैंने करवाया था अतुल्य हेल्थ केयर से, तो जो मेरा टेस्टिंग सेंटर था वो अप्रूव था, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी है जो कि फ्री में भी कर देते हैं, बट जो प्राइवेट वाले हैं वो ऑलमोस्ट 800-900 रुपीस चार्ज करते हैं। एंड यूजुअली प्राइवेट वाले से ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर आपको PDF डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं एंड बड़ा बड़ा RT-PCR होता है एंड यूजुअली फास्टर होते हैं, क्योंकि मुझे 12 आवर्स के अंदर मिल गया था। अगर गवर्नमेंट से करवाया होता तो हो सकता था कि वो हिंदी के अंदर हो या पंजाबी के अंदर लिखा होता या कुछ ना कुछ डिले चल रहा होता, फॉर एग्जांपल 2-3 दिन लग जाते, तो इसलिए मैंने प्राइवेट सेंटर से करवाया था। फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं 98 सेंटर्स है जिसके अंदर 29 गवर्नमेंट है एंड 69 प्राइवेट है। सो सभी की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी ये वाली लिस्ट मिले तो आप अपना ईमेल एड्रेस नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, मैं आपको ईमेल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कहीं पे ढूंढना ना पड़े। सो दैट इज़ ऑल माई फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और को भी शेयर करनी चाहिए तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ रिगार्डिंग क्वारंटीन प्लान और अराइव कैन ऐप, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।